हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेसग्राथ कंप्यूटर सेंटर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंसर्ट टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट टैब अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है तो माइक्रोसॉफ्ट का लगभग 60 से 70% आपने पूरा कवर कर लिया है। क्योंकि जब हम इंसर्ट टैब में जाते हैं तो जिस भी फोल्डर को हम ओपन करेंगे उसके एक या दो सब मेन्यू ओपन होंगे, जिसके थ्रू हमें उसको भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर टूल को करने के लिए अलग अलग ऑप्शन खुलते हैं। तो आज बेसिकली हम करने वाले हैं इंसर्ट टैब में पेजेस का। देखिए, जितने भी स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, या आप कोई बुक बनाते हैं, कोई आप जो ई बुक बनाते हैं उसमें एक कवर पेज होता है, ठीक है? तो उस कवर पेज को बनाने के लिए जो हम यूज करने वाले हैं कवर पेज, ठीक है, यहां पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर हमें ऑलरेडी कवर पेज बने हुए मिलते हैं, जिसको हम यहां से कोई सा भी कवर पेज ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहां से कोई एक कवर पेज लेने वाले हैं, मान लीजिए हम ये वाला कवर पेज लेने वाले हैं, तो देखिए ये क्या है, ये हमारा जो हमारी ई बुक बनने वाली है उसका ये कवर पेज रहने वाला है। मान लीजिए ये इमेज है, इसको आपको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसको चेंज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जब हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहां हमने यहां क्लिक किया तो यहां पर फॉर्मेट का ऑप्शन एनेबल हो गया, डिसेबल हो गया। लेकिन जैसे ही हम इस पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो ये इनेबल हो गया, यहां पर शो हो गया। यहां पर हम क्लिक करके चेंज आप पिक्चर पे जाके हम इस पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब हम इस पिक्चर को चेंज करने जा रहे हैं, यहां से हमने ये वाली पिक्चर इसको चेंज कर दिया, देखिए, ठीक है, इस पिक्चर को हमने यहां से चेंज कर दिया है। आप कोई भी पिक्चर यहां पर सेट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से वापस जाएंगे। उसके बाद जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर हम डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देंगे, जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स, मतलब जो हम बुकलेट बनाने जा रहे हैं, जो बुक बनाने जा रहे हैं वो हमारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की होगी। और ये डॉक्यूमेंट जो टाइटल होगा इसका, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, सब टाइटल, हम इसको सब टाइटल दे सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स बेसिक टू एडवांस, ठीक है। और यहां पर हम जो भी अपना डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं शॉर्ट में, वो हम इसको यहां लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार आप आपने जो डॉक्यूमेंट है, जो आप ई बुक बनाने जा रहे हैं, उसका आप होम पेज यानी कि कवर पेज बना सकते हैं। मैं आपको इसको प्रिंट दिखाकर दिखाता हूँ ये किस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। तो ये आपका जो बुक होगी उसका कवर पेज रहने वाला है, ठीक है, वह करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज। अब देखिए, ब्लैंक पेज का मतलब है, मान लीजिए हम यहां पर कुछ टाइप कर रहे हैं, हम यहां पर इसमें देखिए, हमने यहां पर ये पूरा पेज इसमें टाइप कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारा ये कंप्लीट हो गया, हमें यहीं से एक ब्लैंक पेज लेना है, ये पूरा कवर हो गया। वैसे तो हम इन टैब जब हम बनाते चले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक पेज आता रहेगा, लेकिन अगर हमें एक और एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज लेना है तो हम यहाँ से एक ब्लैंक पेज और ले सकते हैं। तो देखिए, यहां से हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 पेज हो चुके हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा कवर पेज, दूसरा पेज ये हो गया, और तीसरा पेज हमारा ये हो गया। अगर आपको एक और पेज लेना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 4 पेज हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा आ रहा है हमारा पेज ब्रेक। अब देखिए, पेज ब्रेक को आप इस तरीके से समझेंगे, पेज ब्रेक का समझने का तरीका ये है, मान लीजिए जैसे ये हमारा कुछ टेक्स्ट हमने यहां पर लिखा है, और इस टैब को हमने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, और साइज बड़ा करने के बाद हमने देखा कि यहां से इतना ही हमें इस पेज पर लेना है, और फिर हमें दूसरा पेज यानी कि इसको ब्रेक कर देना है, इसको तोड़ देना।
ठीक है, तो हम यहाँ पर पेज ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ का जो डाटा है वो अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब हम यहाँ पर हम जो है ये यहाँ से पेज ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें यहाँ तक करना है और यहाँ से इसे अगले पेज पर करना है, तो हम यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे, तो देखिए ये पेज ब्रेक हो चुका है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें अगर कोई टाइप किया है और उसको अगर हमें वहीं से पेज को ब्रेक करके अगले पेज पर ले जाना है, तो वहां पर क्लिक करके हम पेज ब्रेक ऑप्शन को क्लिक करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा होम इंटरेस्ट पेज में पेजेस के बारे में, जिसमें हमने कवर पेज और पेज ब्रेक के बारे में आसानी से समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जो कवर पेज है उसको आप और भी बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको आप तब बना पाएंगे जब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा ज्ञान हो। तो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप और भी कवर पेजेस को डिजाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अभी बेसिक कोर्स है, तो हम केवल जो इसमें बने हुए हैं उनको ही यूज करके हमने कुछ बनाया है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए शक्तिशाली कंप्यूटर सेंटर को, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर की फ्री क्लासेस उपलब्ध हैं, और साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट भी उपलब्ध होगा जिसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं।